अयोध्या राम जन्मभूमि जहां हमारे प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया था, आज वहां पर हमारे प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को है। लेकिन क्या आप राम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसे हर भारतीयों को जानना चाहिए? तो चलिए आज हम राम मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू मिस्टीरियस फैक्ट्स। नंबर वन, मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल को दबाया गया है, जिससे कि अगर कई सालों बाद भी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो लिया जा सके। नंबर टू, राम मंदिर को 2 मंजिला बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 128 फीट, लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट है। मंदिर के आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी और उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया गया है। नंबर थ्री, राम मंदिर को पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के निर्माण में कहीं भी स्टील या लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। यहां तक कि निर्माण परियोजना के पर्यवेक्षक अनुभाई सोमपुरा ने घोषणा की कि लोहे के बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का प्रयोग किया जाएगा। नंबर फोर, अयोध्या राम मंदिर के नींव में 2587 पवित्र जगहों की मिट्टी का प्रयोग किया गया है, जिसमें वृंदावन और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान शामिल है। नंबर फाइव, राम मंदिर को बनाने के लिए देश के अलग अलग 150 पवित्र नदियों के जल का प्रयोग किया गया है। नंबर सिक्स, राम मंदिर के निर्माण में कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी, जहां पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, वहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में प्रयोग किया गया है। नंबर सेवन, राम मंदिर को पूरे वास्तु शास्त्र को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। नंबर एट, यह मंदिर इतना भव्य और विशाल होगा कि एक बार में 10,000 से अधिक श्रद्धालु समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। नंबर नाइन, राम मंदिर की पहली मंजिल पर भगवान राम के दरबार को चित्रित किया जाएगा, बाकी दूसरी मंजिल पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होंगी। नंबर टेन, राम मंदिर अपनी डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर को डिजाइन करने वाले सोमपुरा परिवार के अनुसार यह मंदिर 28,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूले, और साथ ही आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।